जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मेरी आशा है कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आज की रीडिंग है कि कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको अपने कार्यों को करने में, आप अपनी वृद्धि और विकास में आपको मदद करेगा। देखते हैं क्या कृष्णा आपके लिए गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे आया है गाइस रीकनेक्ट का, तो यहाँ पर आप किसी से रीकनेक्ट होंगे, यानी मान लीजिए कि आप लोगों का कोई ऐसे दोस्तों में या पार्टनर से या जीवन साथी से जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी दूरियां आ गई हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, या कोई आप बहुत दुविधा वाली स्थिति आपकी लाइफ में बन गई है, या पार्टनर से संबंधित, या जॉब से संबंधित, या आपके आर्थिक स्थिति से संबंधित गाइस, तो उसमें आपको पुनः मिलेगा, वो रिकनेक्ट होंगे। आप उनसे एक बार छूट जाएगा, फिर से वापस आपको वो चीज़ मिलेगी, चाहे वो नौकरी है या जॉब है या पार्टनर है या दोस्त है। ये रिकनेक्ट होना आपके लाइफ में लिखा हुआ है, एक बार टूटेगा फिर जुड़ेगा। इन्जॉय द मोमेंट, यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ के हर पल को जिएंगे, हर एक मोमेंट को खुशियों से जिएंगे, आनंद से जिएंगे, और ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में वो ढेर सारी खुशियाँ कृष्णा ने दे दी हैं और आपकी लाइफ जो है बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाएगी, प्यार से, आनंद से, स्नेह से, और सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ट्रस्ट से भर जाएगा। यहाँ पे अटेंशन का कार्ड आया है गाइस जी, तो आपको कृष्णा बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दें, या अपने पेरेंट्स के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे थे तो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी ध्यान दें, और साथ ही साथ अपने ऊपर भी अगर ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा अपने सेल्फ लव भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अच्छे रहेंगे तो आप दूसरे को भी अच्छा रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं, पहले अपने आप पर ध्यान दो, फिर दूसरों का ध्यान दो, उनका हेल्प करो, उनकी सहायता करो, उनका सहयोग करोगे तो तुम्हारा जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। यू आर द प्रोटेक्टेड, मैं तुम्हारा सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ, तुम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो और तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करो। मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करो, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करो, अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को, अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट करते हो तो तुम्हारा जो भी सुरक्षा की भावना है, जो भी प्रोटेक्शन की भावना है, उसको ईश्वर फुलफिल करेंगे। लेकिन तुमको प्रोटेक्शन ईश्वर की तरफ से, कृष्णा की तरफ से मिला हुआ है तो उसका आप सदुपयोग करिए। हेल्पिंग हैंड, मैंने अभी बोला कि आपने दूसरों को सहायता करना है, दूसरों का सहयोग करना है, हेल्पिंग हैंड बनना है, यानी आप अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो कृष्णा बोल रहे हैं उनकी मदद करिए, हेल्प करिए, हेल्पिंग हैंड बनेंगे। अगर दूसरे की मदद के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे तो ईश्वर आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देगा, बल्कि बरकत ही आएगी आपकी लाइफ में। टेक अ स्टेप बैक, अगर आपको कोई काम नहीं जम रहा है गाइस, जो आप काम कर रहे हैं या जो भी योजनाएं बना रहे हैं, आपको ऐसा दिल से लगता है कि वो काम अच्छा नहीं चलेगा या अच्छा नहीं जाने वाला है, तो आप एक कदम पीछे हट जाइए, यानी उस काम से आप पीछे हट जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया गया है रियली ऑन योर री सेल्फ, यानी आप अपने आप को रियलाइज़ करिए, रियलाइज़ ऑन यू री सेल्फ, यानी आप अपने को समझने की कोशिश करिए। कृष्णा बोल रहे हैं अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करिए कि आपकी आत्मा, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, वो क्या करना चाह रही है, उसको किस चीज़ में सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, शांति मिलता है, वो करने की
कोशिश करें, यहाँ पर खुद पर विश्वास रखें, खुद पर ट्रस्ट रखें। अगर आप खुद को रियलाइज़ करते हैं, खुद को समझते हैं, अपने सोल को समझते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा गाइज यहाँ पर। और ख़ुद पर भरोसा करना सीखें। कुछ लोग जो हैं वो अपने पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, यानी खुद पर विश्वास नहीं रख रहे हैं कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो कृष्णा बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? कोई भी काम तुम्हें करना ही है, तुम्हें आता है चाहे नहीं आता है, कोशिश करना है, कोशिश में ही सफलता है। खुद पर भरोसा रखो कि मैं कर लूँगा और तुम कर पाओगे। यू आर द प्रायोरिटी। यहाँ पर ईश्वर का हेल्प मिल रहा है गाइज आपको, कन्हैया का, कान्हा का, आपको ब्लेस मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी छत्र छाया मिल रही है कि तुम प्रोटेक्शन मिल रहा है तुमको, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, यानी तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए प्राथमिक हो, यानी भगवान से, भगवान के लिए भक्त से बड़ा कोई इंसान नहीं होता है गाइज। यानी भगवान भक्त को अपने आप से भी बहुत बड़ा मानते हैं। अगर आप अच्छे हैं, आप भक्त हैं, सच्चे मन वाले हैं, तो आप उनके लिए प्रायोरिटी हैं, आप उनके लिए विशिष्ट हैं, आप उनके लिए प्राथमिक हैं। यानी जो भी होगा आपके लिए होगा, जो भी अच्छा होगा आपके लिए ईश्वर ज़रूर करेगा, कन्हैया ज़रूर करेंगे आपके लिए। और आपको वो दिलासा दे रहे हैं, ट्रस्ट करा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी उंगली पकड़ कर चलो, तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, हमेशा सक्सेस और सफल रहोगे, आगे रहोगे। कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ लाइफ में, कितनी भी तकलीफें आएँ लाइफ में, तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे तो तुम मेरी प्रायोरिटी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है गाइस, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और कमेंट में आप जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलेगी गाइस। अगर आपको टैरो रीडिंग दिखानी है, हस्तरेखा दिखाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।